भाई मेरे साथ मिलकर मुकद्दस योहन्ना का अंजीली बयान उसका 19वां बाब और उसकी 26 से 27वीं आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम से तलावत करेंगे। मुकद्दस योहन्ना का अंजीली बयान उसका 19वां बाब और 26 से 27 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, यसु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। ये तीसरा कलमा है जो यसु मसीह को जब मसलूब किया जा रहा था तो सलीब पर दुख और कलम की हालत में यसु मसीह की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकले वो यहाँ पर भी हमने खुदावंद के कलाम में से देखे। बज़ाहिर इस कलमे को हम कलमा मोहब्बत के तौर पर जानते हैं, मगर इसमें ना सिर्फ हमें मोहब्बत बल्कि हमें मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी और वफादारी भी नज़र आती है। जब हम खुदावंद के कलाम में इस सारे वाक्य पे गौर करते हैं तब देखते हैं कि यसु मसीह जब सलीब पर था तो वो अपनी जिम्मेदारियों से काफिल ना था। यसु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर ये फरमाया कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और शरीयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम शरीयत में से इस चीज को देखते हैं जो 10 अहकामात हैं जो हम सबको मालूम है, उसमें एक हुक्म क्या है, अपने माँ और बाप की इज्जत कर। यसु मसीह ने कलाम के इस हिस्से को सलीब पर पूरा किया कि उसने अपने माँ की इज्जत की। जब बात आती है इज्जत करने की तो अक्सर हम यही समझते हैं इज्जत करने का क्या मतलब है कि सुबह सुबह उठ के अपने माँ बाप को सलूट मारें, ये इज्जत करना है। बल्कि नहीं, जो उनकी जरूरियात हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, हम पर फर्ज है, हम किस भी हालत में क्यों ना हो हमने उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। यसु मसीह को कोड़ों से छलनी कर दिया गया, पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर रख दिया गया, मगर तो भी अपनी माँ की जिम्मेदारी से वो काफिल ना था बल्कि सलीब पर भी उसने उस जिम्मेदारी को निभाया। जब हम यहूदी दस्तूर को देखते हैं, अगर हम कलाम का बगौर मुताला करें तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि जो पेलोठे होते थे उनको बाकी बच्चों की निस्बत हिस्सा ज्यादा मिलता था क्योंकि उन पर उनके वालदैन की जिम्मेदारी होती थी। ये यहूदी कल्चर में तब भी होता है और अब भी ऐसा ही है। अगर जो ये बहस फर्क है कि यसु मसीह के दीगर बहन भाई थे या नहीं थे, मगर हम एक बात पर मुत्तफिक हैं कि यसु मसीह पेलोठा था, इसलिए यसु मसीह ने पेलोठे होने की निस्बत इस जिम्मेदारी को जाना और जब वो सलीब पर मौजूद था दुख और मुसीबत की हालत में उस वक्त उसने क्या किया, अपनी माँ की जिम्मेदारी को समझते हुए इस जिम्मेदारी को उसने यूहन्ना को सौंप दिया। यहाँ पर जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना के तालुक से भी, तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है, मैं फिर से इसको पढ़ूंगा कि यसु ने अपनी माँ और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था। ये कलमा ही कलमा मोहब्बत कहलाता है, मगर बाज लोग इस चीज को कहते हैं कि क्या यसु में तरफदारी नहीं पाई जाती थी कि बाकी भी यसु के शागिर्द थे, मगर जब हम अनाजील का मुतालिया करते हैं तो हमें नजर आता है कि एक शागिर्द यसु को बहुत अजीज था और वो शागिर्द कौन था, यूहन्ना, जिसका यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि वो यसु मसीह को बहुत अजीज था, मगर यसु में तरफदारी नहीं पाई जाती क्योंकि उसने भी यानी यूहन्ना ने भी यसु मसीह से बहुत मोहब्बत दिखाई। जब यसु मसीह को गतसमनी बाग में सारे शागिर्द उसके साथ थे और यसु मसीह को पकड़ा गया तो सारे शागिर्द जो है यसु मसीह का साथ छोड़ गए, मगर सिर्फ दो थे जो यसु मसीह के साथ थे, एक पतरस और एक यूहन्ना।
और पतरस ने भी क्या किया, तीन बार यीशु मसीह का इनकार किया, मगर यूहन्ना ने आखिरी दम तक अपने मसीह का साथ ना छोड़ा। आज हम खुदा के कलाम में फिर पढ़ते हैं ना कि जो आखिरी दम तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। तो बरकत को हासिल करने के लिए, मुकाशफात को हासिल करने के लिए हमें वफादारी करनी है, जो यहाँ पे हमें इस अंजीली बयान में नजर आता है, इस तीसरे कलमे की तशरीह में नजर आता है कि यूहन्ना रसूल ने आखिरी दम तक अपने खुदावन अपने मसीहा से वफादारी की, वो वफादार रहा। अगर जो कलाम में इस बात का जिक्र नहीं है, मगर यीशु मसीह को पकड़े जाने से लेके मसलूब करने तक 6 दफा मुख्तलिफ अदालत में लेके जाया गया, जिसमें से 3 शरई अदालत थी और 3 सियासी अदालतें थी, जहाँ पे यीशु मसीह को लेके जाया गया ताकि यीशु मसीह का फैसला किया जाए। और इस तमाम प्रोसेस में यूहन्ना रसूल ने यीशु का साथ नहीं छोड़ा, और इसी वजह से जब बात आई जिम्मेदारी की, तो सबसे अहम जिम्मेदारी यानी अपनी माँ की जिम्मेदारी यीशु मसीह ने किसे दी, यूहन्ना रसूल को। और यही यूहन्ना है जो इस अंजील को भी लिखने वाला है, और आखिर में जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है वो भी इसी यूहन्ना ने लिखा। क्योंकि जब हम खुदावन के साथ वफादार होते हैं, हम आखिरी दम तक उसके साथ साथ निभाते हैं, तो फिर ही खुदा के मुकाशफे हमारी जिंदगियों में जारी होते हैं। खुदावन ने यूहन्ना को जो मुकाशफा दिया वो आखिरी वक्त के ताल्लुक से है। कुछ बातें जो अभी तक पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी पूरी होनी है, उन सब के ताल्लुक से खुदावन ने यूहन्ना पर उस मुकाशफे को जाहिर किया, क्योंकि वो आखिरी दम तक वफादार रहा। मेरे अजीजों, जब हम इस कलमा को पढ़ते हैं, जब इस वाक्य पर गौर करते हैं, तो हमें यहाँ यीशु मसीह की मोहब्बत जाहिर होती है, क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत की वो उत्तम मिसाल हमें नजर आती है कि अगर जो यीशु मसीह इतने दुख और मुसीबत में था, उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, उसने अपने वफादारों को उन जिम्मेदारियों से नवाजा, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह ने कहा, उसके कलाम में लिखा है कि मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। 10 हुक्मों को तो हमने अभी भी पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने उस पर जायजा लिया है, लेकिन उसने कहा मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और वो 11वां हुक्म क्या है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर मोहब्बत की जो मिसाल कायम की है वो आज दिन तक हमें नजर नहीं आती। कोई अपनों के लिए तो अपनी जान दे सकता है, लेकिन गैरों के लिए, गुनहगारों के लिए जो वहां पर मौजूद होकर यही कहते थे, क्या यीशु तो सलीब से उतरा, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे, और उसके साथ जो डाकू भी थे वो भी उस पे दान तान करते थे, उसके मुंह पर तमांचे मारे जा रहे थे, थूका जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी, और मोहब्बत की वो मिसाल कायम की है जो आज तक हमें नहीं मिलती है। खुदावन के इस कलाम के पढ़े उसने जान के खुदावन की बढ़ती